हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एमफिल और पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पर जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं कैंडिडेट, उनकी लिस्ट और जो कैंडिडेट एग्जामटेड थे एंट्रेंस टेस्ट पे, उस बेसिस पे जो कैंडिडेट इंटरव्यू किए गए हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर डिक्लेयर हो गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट्स की लिस्ट अभी आपको ना मिले, तो एक दिन में आपको अपनी डिपार्टमेंट की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो रिज़ल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन 2019 का जो लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद इधर आपको एडमिशन रिज़ल्ट 2019-20 का एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोग्राम कैटेगरी। प्रोग्राम कैटेगरी में ऑब्वियसली आप एमफिल और पीएचडी सेलेक्ट करेंगे, एमफिल पीएचडी। इसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सपोज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया और सर्च बटन पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सितंबर को लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी 1 और नीचे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी 2 फॉर एमफिल पीएचडी। तो यहाँ पर आप अपनी लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ये लिस्ट हमारे सामने डाउनलोड हो गई है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू अंडर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी एमफिल पीएचडी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपका होगा, इसके बाद मेन सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके, और अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर अलाइड 1, 2 और 3। और यहाँ पर सारा आप लिस्ट चेक कर सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो आगे और लिस्ट हैं यहाँ पर, और डिपार्टमेंट की लिस्ट हैं या फिर कहें और डिपार्टमेंट की लिस्ट के अंदर जो कैटेगरी हैं अलग अलग, कैटेगरी 1 एग्जेम्प्ट वाली, कैटेगरी 2 एग्जेम्प्ट वाली और एंट्रेंस टेस्ट बेस वाली, इन सभी की लिस्ट भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जैसे सपोज ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की मैंने खोली है एंट्रेंस टेस्ट वाली लिस्ट, इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिफेंड द रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन। रिसर्च प्रपोजल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा और इंटरव्यू के टाइम पर आपको 10 कॉपी ले जानी पड़ेंगी अपनी रिसर्च प्रपोजल की इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। और यहाँ पर डेट भी मेंशन है 11 सितंबर 2019 इंस्टेड ऑफ सितंबर 9। तो 11 सितंबर 2019 तक आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और फिर नीचे आपको सिलेक्शन जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।